आज कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। आज भाषण देने आ रहे गुनार शिवपुरी, अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते मेरे भाइयों। 17 साल मैंने भी भुगता है, जोड़ी झूठे कर दिया था मध्य प्रदेश का बंटा था। ये कमल का फूल ही आया जिसने मध्य प्रदेश को उभार के लाया है। कांग्रेस के दलदल और कीचड़ से उभारने का काम कमल के फूल ने किया है मेरे भाइयों। आज वोट मांगने आ रहे हैं, देश को नीलाम कर दिया। रोज आतंकवादी हमला होते थे, पूरे देश में भ्रष्टाचार होता था। 2G, 3G, 4G, 5G काले कोयले का भी घोटाला, पुराना कहावत है कि झूठ बोले आज वोट मांगने आए हैं। आतंकी हमले चलते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश की कमान आपने उनके हाथों में सौंपी है, भारत के सपूत के हाथों में सौंपी है, तब से पाकिस्तान जो आतंकी हमला छाती तान कर भारत पर करता था आज आटे के लिए तरस रहा है।